हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, EPFO, इग्नू, इन सब का जो टाइपिंग का एग्ज़ाम है वो NTA करवाने वाली है। तो आखिर कैसे NTA का पैटर्न होता है और प्रीवियस ईयर्स या फिर प्रीवियस एग्ज़ाम्स में NTA ने टाइपिंग इंस्ट्रक्शंस क्या रिलीज़ की थी और कैसे वो NTA वाले टाइपिंग एग्ज़ाम करवाते हैं, जिससे हम एक रफ़ एनालिसिस कर पाएँ, चाहे हम प्रिपेयर कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, या फिर EPFO सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एग्ज़ाम के लिए। आज की वीडियो में हम वही इंस्ट्रक्शंस डिस्कस करेंगे और अच्छे से जानेंगे सब कुछ आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और गाइस, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। अब देखिए गाइज, ये जो आप देख रहे हैं ये प्रीवियस एक एग्ज़ाम में NTA ने रिलीज़ किया था इंस्ट्रक्शंस, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैंडिडेट को 10 मिनट दिए जाएंगे और 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग एग्ज़ाम टाइपिंग आपको स्कोर करना होगा, 40 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। और उन्होंने नेक्स्ट बताया था, द ऑन स्क्रीन कंप्यूटर क्लॉक काउंटर ऑफ एवरी कैंडिडेट विल बी सेट एट द सर्वर। मतलब क्या है, आपका जो है कंप्यूटर पे ही, स्क्रीन पे ही आपका टाइपिंग का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका टाइमर जो है एक तरफ से राइट हैंड साइड पे चलता रहेगा, जो कि आपको डिस्प्ले होता रहेगा कि कितना टाइम बाकी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अगर आप स्क्रीन को जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो ए प्लस जूम इन, ए प्लस जूम आउट, ये आप लिख के डिक्रीज द टेक्स्ट साइज और इंक्रीज द टेक्स्ट साइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आया था, उस इंस्ट्रक्शन में लिखा था, अ पैसेज इन इंग्लिश विल बी डिस्प्लेड ऑन द अपर हाफ पोर्शन। मतलब क्या है गाइस, जैसे कि आपकी स्क्रीन है ना, इसमें ऊपर हाफ पे इंग्लिश में लिखा होगा, अपर हाफ पोर्शन में आपका टाइपिंग पैसेज, और वही सेम आपको नीचे वाले बॉटम हाफ पोर्शन में टाइप करना होगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू व्यू द होल पैसेज कैंडिडेट नीड्स टू स्क्रॉल डाउन विद द हेल्प ऑफ माउस, ठीक है। तो मतलब क्या है, ऑटो स्क्रोल नहीं था, अगर आपको नीचे करना होगा स्क्रोल तो आपको स्क्रोल डाउन करना होगा, कैंडिडेट को स्क्रोल डाउन करना होगा। फिर नेक्स्ट है, द कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू मेक द करेक्शन इन वर्ड टाइप एनी टाइम ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब किसी भी टाइम में आप करेक्शन कर सकते हैं अपने पैसेज में। और उसके बाद क्या है, बैक स्पेस अलाउड है। जी हाँ, प्रीवियस NTA ने जो जो एग्जाम्स करवाए हैं उसमें बैक स्पेस अलाउड है। हाउएवर द टाइमर विल काउंट द टाइम इलेप्स्ड यूजिंग बैक स्पेस। मतलब क्या है, टाइमर चलता रहेगा, टाइमर रुकेगा नहीं अगर आप बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो, ठीक है। इन केस द कंप्यूटर और माउस अलॉटेड टू एनी कैंडिडेट माल फंक्शन एनी टाइम ड्यूरिंग द टेस्ट, द कैंडिडेट विल बी इमीडिएटली अलॉटेड अनदर कंप्यूटर सिस्टम ड्यूरिंग चेंज और रिस्टार्ट ऑफ कंप्यूटर गेट्स फ्रीज। मतलब क्या है, अगर सपोज आपका कंप्यूटर या माउस फ्रीज हो गया और आपको नेक्स्ट टाइम इमिडिएटली आपको दूसरा कंप्यूटर दे दिया जाएगा, वो अलॉट कर दिया जाएगा, और जो आपका चेंज ओवर में टाइम वेस्ट होगा आपका टाइम सीज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर पे जब आप स्विच ओवर करेंगे ना, वो वहीं से चालू होगा, ठीक है। देयर वुड बी नो लॉस ऑफ टाइम फॉर द कैंडिडेट्स। देखिए लिखा है कि कोई भी टाइम का लॉस नहीं होगा एंड टेस्ट विल रिज्यूम फ्रॉम वेयर इट वॉज इंटरप्टेड। मतलब क्या, वहीं से चालू होगा जहां से आपने कैंडिडेट ने छोड़ा था। नेक्स्ट है इसमें, द कैंडिडेट टर्मिनल अलॉटेड टू द कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड द वेलकम लॉग इन स्क्रीन फॉर लॉग इन द कैंडिडेट हैव टू एंटर हिज और लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। आपको अपना लॉग इन आईडी और पासवर्ड एंटर करना होगा। आफ्टर लॉग इन एट द डेजिग्नेटेड टाइम ऑफ द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स विल बी एबल टू प्रोसीड एंड सी द पैसेज। मतलब लॉग इन करने के बाद आप अपना पैसेज देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। बिफोर स्टार्ट ऑफ द एक्चुअल टाइप टेस्ट अ प्रैक्टिस विंडो विल बी प्रोवाइडेड। मतलब क्या, एक्चुअल टाइम टेस्ट से पहले आपका प्रैक्टिस विंडो जो है आपको की जाएगी, जिससे आप अपनी सारी कीज़, कीबोर्ड की काम कर रही हैं या नहीं, माउस का मॉनिटर काम कर रहा है या नहीं, और डिस्प्ले जो है काम कर रहा है या नहीं, और अगर कोई भी आपको फॉल्टी नज़र आती है, कोई भी फंक्शन, कोई भी की, कोई भी माउस, तो आप तुरंत आज द टू चेंज द सेम, ठीक है। इफ़ यू आर फाउंड कॉपिंग हेल्पिंग अदर्स यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। मतलब क्या है, UFA में लग के, अनफेयर मीन्स वाले में लग के आपको आउट किया जा सकता है अगर आप किसी का कॉपी कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं तो। यू आर नॉट अलाउड टू कीप मोबाइल फोन्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, ठीक है, ये सब लिखा है। फिर नेक्स्ट है आपका,
कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो द की एंड फंक्शन एज गिवन बिलो, पुट सिंगल स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, मतलब क्या है, दो वर्ड के बीच में एक सिंगल स्पेस डालना है, और विल बी डिसेबल्ड, ये सब कीज आपकी डिसेबल हो जाएंगे, जिसमें एंटर की, एस्केप की, F1 to F12, टैब की, इंसर्ट की, डिलीट की, होम की, एंड की, कंट्रोल की, ये सब सारी कीज जो आपकी डिसेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका एडिशनली द फॉलोइंग फीचर्स विल ऑल्सो भी डिसेबल्ड, फिर उसके बाद मेन्यू बार इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिसेबल हो जाएगा, सिक्योर ब्राउजर विंडो विल नॉट बी अलाउड टू क्लोज, सिक्योर ब्राउजर नेविगेशन बटन विल बी डिसेबल, स्पेल चेक विल बी डिसेबल, ठीक है, तो ये वाली भी चीज़ें आपकी डिसेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका एरर्स कैसे कैलकुलेट करती है NTA अपने प्रीवियस एग्जाम में, ठीक है गाइस, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्या होता है ना, हमें एक पैटर्न बताता है कि वो पर्टिकुलर एजेंसी उस पर्टिकुलर एग्जाम को कैसे कंडक्ट करवाती है, और सेम मोर और लेस सिमिलर ही इंस्ट्रक्शंस होती हैं अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शंस, ठीक है। तो अगर हम बात करें ओमिशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ अ सिंगल वर्ड, मतलब वर्ड या फिर फिगर, एक फुल मिस्टेक कंसिडर किया जाएगा, ओमिशन और रॉन्ग इंसर्शन ऑफ अ पंचुएशन मार्क इंक्लूडिंग कैपिटल लेटर्स, हाफ मिस्टेक कंसिडर किया जाएगी, और उसके बाद स्पेलिंग एरर इन अ वर्ड और रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ कॉमाज इन अ फिगर और रॉन्ग टाइपिंग ऑफ अ डेट, फुल मिस्टेक, वन मिस्टेक, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर्स ऑफ एरर इन वन सिंगल डेट, फॉर एग्जाम्पल इफ द डेट इज सो एंड सो इज रॉन्गली टाइप्ड एज सो एंड सो और सो एंड सो, इट विल बी ट्रीटेड एज वन मिस्टेक, मतलब क्या है, अगर आपने सपोज डेट ऐसी लिखी और ऐसी आपने टाइप कर दी या फिर ऐसी टाइप कर दी, ठीक है गाइस, तो एक सिंगल मिस्टेक उसको माना जाएगा। नेक्स्ट है फर्दर इफ द सेम स्पेलिंग एरर इज रिपीटेड वाइल टाइपिंग द पैसेज, टोटल वन मिस्टेक इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ एरर, अगर वही सेम मिस्टेक आपने वापस से कर दी तो आपका एक सिंगल मिस्टेक कैलकुलेट किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ एरर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने कितनी एरर्स की हैं, और उसके बाद वन मिस्टेक फॉर एवरी सच स्पेलिंग एरर, सिमिलरली वन मिस्टेक फॉर एवरी रॉन्ग फिगर और रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ कोमास इन अ फिगर, ठीक है। इम्प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन टू वर्ड्स, मतलब क्या है, अगर सपोज ये जैसे मिस्टेक आप देख रहे हैं ना अपनी स्क्रीन पे, इसमें आपने MI स्पेस डाल दिया और STA की कर दिया, तो इसको हाफ मिस्टेक कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद टाइपिंग ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, सिंबल और एनीथिंग अदर देन द कंटेंट्स एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, फुल मिस्टेक, मतलब क्या है, सपोज अगर आपने IAM ready की जगह लिख दिया IAM READY लिख दिया, तो ये देखिए एक सिंगल मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि रेडी में तो DY होता है और आपने I लिख दिया, ये एक सिंगल मिस्टेक कंसिडर की जाएगी। फॉर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट द क्राइटेरिया ऑफ कैरेक्टर्स विद स्पेस फॉर कैलकुलेटिंग द टाइपिंग स्पीड विल बी अडॉप्टेड एंड टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक्स परमिसेबल वुड बी 3% ऑफ द टोटल वर्ड्स टाइप। देखिए गाइस, ये प्रीवियस एग्जाम में हुआ था, इस बार एरर अभी तक कैलकुलेट नहीं किया गया, बट हम हमेशा मैक्सिमम के लिए प्रैक्टिस करें, जी हाँ, 3% जो आपकी एरर है वो प्रैक्टिस उसी के अकॉर्डिंग करना, क्योंकि अगर कहीं बाय चांस 3% का एरर अलाउड हो गया ना, तो आपका अगर ज़्यादा का होगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उस 3% के बेंचमार्क को क्रॉस करना। इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, आप अभी पहले एक बार 3% की एरर करके वैसे ही प्रैक्टिस करें और अपनी सिंसियरिटी से एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए करें, ठीक है। फिर नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड टू बी काउंट, टोटल स्ट्रोक्स विद स्पेस टाइप्ड डिवाइडेड बाय 5, मतलब क्या है, जितना स्पेस और टोटल स्ट्रोक्स आपने टाइप किए होंगे विद स्पेस डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, इसको 5 को एक अल्फाबेट कंसिडर किया जा रहा है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ वर्ड्स मान लिया जाएगा, वैसे ही कैलकुलेट किया जाएगा। टाइपिंग स्पीड टू बी काउंटेड, नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, मतलब क्या है, जितने आपने वर्ड्स टाइप किए होंगे, देखिए ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा कि आपने सपोज 275 वर्ड्स कैसे कैलकुलेट, कितनी आपने की स्ट्रोक्स दबाई हैं स्पेस को इंक्लूड करके, उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद आपका टाइपिंग स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइपिंग स्पीड आपकी कैलकुलेट ऐसे करेंगे कि आपने सपोज 350 वर्ड्स टाइप किए हैं और 10 मिनट का है आपका, तो आपका 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है गाइस, तो आपको समझ आ गया कैसे करना है। और उसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन द IAM ready to begin, मतलब जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा आपको लास्ट में IAM ready to begin कर क्लिक कर देना और उसके बाद वैसे टाइपिंग चालू कर देनी है, ठीक है गाइस, ये आपकी बात हो गई क्लियर। और उसके बाद अगर मैं वापस से एक बार बता दूँ ये वाला पॉइंट जो आपको सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा है, स्पेलिंग एरर इन अ वर्ड और रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ कॉमास इन अ फिगर और रॉन्ग टाइपिंग ऑफ अ डेट, फुल मिस्टेक, समझ रहे हैं आप, स्पेलिंग एरर किसी भी वर्ड में या फिर प्लेसमेंट में, जैसे आपने ई हटा दिया प्लेसमेंट में, PLACMENT लिख दिया, तो आपका वो एक फुल मिस्टेक कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद और नेक्स्ट है आपका और रैंक प्लेसमेंट ऑफ कॉमास,
मतलब अगर आपने सपोज कॉमा, जैसे अगर यहाँ लिखा है, अब इसको आपने कॉमा को यहाँ डाल दिया ना, तो आपकी एक मिस्टेक वैसे कैलकुलेट कर ली जाएगी, वन मिस्टेक इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ एरर्स इन सिंगल डेट। मतलब क्या है, अब जैसे सपोज एरर है, देखिए ये इसमें 5.04.2012 है ना, तो अगर आपने ये दो दो बार हाइफन कर दिया तो भी एक ही मिस्टेक कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है गाइस, समझ आ गया ना आपको, ये मैं कहना चाह रहा था, सिंगल डेट से ये मतलब था। ठीक है गाइस, और एक और चीज़, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं गाइडलाइंस, ये ना दिल्ली हाई कोर्ट के, इन्होंने एनटीए ने एक सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का एग्जामिनेशन करवाया था, उसके इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट का क्राइटेरिया था। तो गाइस ये एक प्रीवियस ईयर का, मतलब या फिर प्रीवियस एग्जाम का टाइपिंग टेस्ट के गाइडलाइन थे, तो आप उसी के अकॉर्डिंग करिए प्रैक्टिस, क्योंकि जितना ज़्यादा टफ में प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए एक्चुअल एग्जाम में क्वालिफाई करना उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जैसे जैसे मैंने आपको बताया है एरर 3% से करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा जब आपका पेपर होगा तो। और एक और चीज़ है, अभी एक्चुअल में जो इस इन पर्टिकुलर एग्जाम्स के गाइडलाइंस इशू नहीं हुई हैं, बस प्रीवियस ईयर से हमारा थोड़ा सा आसान हो जाता है तैयारी करना। और तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिसमें मैं एक्चुअल में जब जो गाइडलाइंस अलाउड होंगी इन स्पेसिफिक एग्जाम्स की, आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले। ठीक है गाइज, ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।